नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। सर्च बार में आपको एम पी ऑनलाइन टाइप करना है। देखिए, एम पी ऑनलाइन टाइप करने के बाद ये पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इसमें आप 10वीं 12वीं की खोई हुई मार्कशीट बड़े आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एम पी ऑनलाइन पोर्टल पर आने के बाद सर्विसेज में आना है। सर्विसेज में देखिए, इसमें मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल भोपाल पे क्लिक करना है। जैसे ही सिंपल इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए, बीच वाला जो आइकन आपको नज़र आ रहा है, काउंटर बेसेट फॉर्म, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, अगला पेज ओपन हो जाएगा। देखिए, तो इस पर सबसे नीचे आ जाना आपको, और देखिए जो 6 नंबर का कॉलम है, इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म और डुप्लीकेट रिसिप्ट दोनों दिखाई देंगे। तो सिंपली आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, अगला पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। देखिए, मार्कशीट फॉर्म, तो इसमें आपको सबसे पहले क्लास, एग्ज़ाम टाइप, ईयर और रोल नंबर टाइप करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास सिलेक्ट कर लेते हैं, 10वीं या 12वीं जो भी आपको निकालना सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मेन एग्ज़ाम इसमें टाइप करना है। मेन एग्ज़ाम सेलेक्ट करने के बाद 2000 मतलब जो भी आपके ईयर है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करने आए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आपके जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पे डालना है। आपको रोल नंबर डालने के बाद सिंपली इस पर कैप्चर जो है वो कैप्चर आपको यहाँ पे फिल करना है। कैप्चर डाल लिया मैंने। देखिए, कैप्चर डालने के बाद आपको यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पे क्योस्क और सिटीजन के माध्यम से पेमेंट कटवाना आपको यहाँ पे। तो अगर एम पी ऑनलाइन क्योस्क संचालक है तो क्योस्क को सिलेक्ट करके आप पेमेंट कटवा सकते हैं। और अगर आप सिटीजन है, आम आदमी है, मतलब आप यहीं बाहर से अगर इसको पेमेंट कटवाना चाहते हैं तो पेमेंट कटवा सकते हैं। सिटीजन पे क्लिक करके 325 रुपये आपके इसमें कटवाएंगे। तो आपको इसकी 325 रुपये पेमेंट करना है। तो यहाँ पे आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, IMPS, UPI वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करेंगे। देखिए, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करने के लिए आपको नेट बैंकिंग क्लिक करके, अगर आप SBI का अकाउंट है तो ओनली फॉर SBI अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। अगर अन्य है तो नीचे दूसरा बैंक सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने SBI सिलेक्ट किया है। तो देखिए, ऐसा सबमिट करना है आपको। सबमिट करने के बाद ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करने के बाद देखिए, ऐसा पेज दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एंटर यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो आपको यहाँ पे एंटर यूज़र आईडी और पासवर्ड, जो भी इंटरनेट बैंकिंग के यूज़र आईडी पासवर्ड है, यहाँ डाल के आप इसको लॉगिन कर लीजिएगा। देखिए, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए, सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने हैं। आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन वाला आइकन पे क्लिक करना है। देखिए, जैसे क्लिक करते हैं लॉगिन आइकन पे तो आपको अगला पेज ओपन होगा आपका। देखिए, सारी डिटेल अकाउंट की आपके यहाँ पे शो करने लगेगी। जो भी पेमेंट है आपका वो पेमेंट भी शो करेगा आपको यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करोगे तो आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी आपके मोबाइल नंबर पर मतलब मोबाइल नंबर OTP गई होगी, तो मोबाइल नंबर पर OTP यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। जो आपके अकाउंट से जुड़े मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे, तो आपको पता है कि इंटरनेट बैंकिंग से कैसे पेमेंट कटवाना है, तो उस तरीके से आप प्रोसेस करके पेमेंट कटवा लीजिएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ OTP फिल कर देता हूँ। OTP डालने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। देखिए, मैंने OTP डाल दी और कंफर्म कर दी है। तो कंफर्म करने के बाद यहाँ पे देखिए, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का आइकन आ गया है। तो ये पेमेंट हो गया है। और पेमेंट होने के बाद देखिए, ये पेज थोड़ी देर ऐसे ही रखना, आपको कुछ भी नहीं करना इसमें, छेड़का नहीं। तो सिंपली देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, MP ऑनलाइन साइट इन 30 सेकेंड। तो मतलब आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक अगले पेज पे ले जाएगा। तो आपको यहाँ पे वेट करना है। देखिए देखिए दोस्तों, ये सिंपली PDF डाउनलोड हो चुकी है अपनी मार्कशीट की। जो मार्कशीट अपन डाउनलोड कर रहे थे वो मार्कशीट अपने आप यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। तो आपको वहाँ पे पेज ऐसे ही रखना है। 30 सेकंड में अपना आप आपकी मार्कशीट, अगला पेज ओपन हो जाएगा और मार्कशीट डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों,
इसी तरीके से आप बड़े आसानी से कोई हुई मार्कशीट निकाल सकते हैं सिर्फ रोल नंबर से, 10वीं 12वीं किसी भी कक्षा की। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम।